हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक मेन त्रिपाठी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल का नाम है लर्निफाई में। तो आज हम बात करने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से जुड़े बहुत सारे वाइवा क्वेश्चंस की और उनकी कुछ एक्सप्लेनेशन की। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी टाइट्रेशन पार्टिकल की। तो उससे कौन कौन से वाइवा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं पहले उसके हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है आपको उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो प्रैक्टिकल होता है वो होता क्या है, ठीक है, उसमें करते क्या है ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो आपका एक्सपेरिमेंट होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है ये आप पता कर लीजिएगा। तीसरी चीज आपको यहां पता होना चाहिए व्हाट इज अ टाइट्रेशन, ठीक है, टाइट्रेशन क्या होता है और टाइट्रेशन कितने टाइप का होता है, जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो आप एक्सपेरिमेंट आप यूज कर रहे हैं उसमें कौन सा टाइप का टाइट्रेशन यूज कर रहे हैं। तो ये आप क्या है रेडॉक्स टाइप का टाइट्रेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं एक रेडॉक्स रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे जब आप बोलेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन का एक रेडॉक्स टाइप का आपका टाइट्रेशन हो गया तो वहां पर आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि रेडॉक्स जो होता है वो एक्चुअल कौन सी रिएक्शन होती है, मतलब रेडॉक्स कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है। तो आपको ये चीज पता होगा जब किसी केमिकल रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है तो उसे क्या बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे बताएंगे तो उससे आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज द रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे पूछ सकता है व्हाट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे देखिए जो आप यहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट क्या है आपके एक रिएक्शन बनती है, उस रिएक्शन में आपसे पूछ सकता है कि यहां पर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। यहां पर जो आप KMnO4 यूज करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं उस पोटेशियम परमैंगनेट को यहां पे कैसे यूज कर रहे हैं, तो वो यहां पे क्या आपका ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है जो खुद क्या करता है जो खुद रिड्यूस होगा बट क्या करे दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है तो वो क्या हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो यहां पे आपका KMnO4 क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। ये आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए। यहां पे आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर यहां पे क्या होता है, इंडिकेटर आपको पता ही है जो एसिड और बेस को फाइंड करते हैं वो आप क्या होते हैं इंडिकेटर हो जाते हैं, ठीक है। साथ साथ आपसे पूछ सकता है कि यहां पे जो हम इंडिकेटर का कौन से इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं तो आपको यहां बताना है कि यहां पर कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं कर रहे हैं। यहां पे हमारा जो KMnO4 है वो KMnO4 क्या है ऐसा सेल्फ इंडिकेटर काम कर रहा है बिकॉज जैसे क्या करते हैं KMnO4 के ड्रॉप्स को जब उसमें डालते हैं आप अपने जो बीकर में डालते हैं तो उसमें क्या होता है आपका एक लाइट पिंक कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। तो जो लाइट पिंक कलर होता है वही आपका इंडिकेट करता है कि रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करते, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं KMnO4 को ही एज अ सेल्फ इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप यहाँ पे यूज करते हैं वो सॉल्ट यूज करते हैं वो कौन सा है मोहर सॉल्ट है। तो यहाँ पे आपको पूछता है व्हाट इज अ मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट क्या होता है आपको उसका केमिकल जो फॉर्मूला है यानी उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपसे पूछ सकता है। तो आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है जिसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो आपका जो फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है आपका मोहर सॉल्ट होता है। इसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसके फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है। साथ साथ इसका मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछ सकता है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी आपको पता होना चाहिए और आपसे जो KMnO4 है उस KMnO4 जो आप यूज कर रहे हैं उसका भी आपको मॉलिक्यूलर वेट पूछ सकता है। मतलब याद रखिएगा इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जिस भी आप केमिकल सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं उस केमिकल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपको जरूर जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज आप जरूर कर लीजिएगा वरना आपको वहां पे प्रॉब्लम फेस हो सकती है, ठीक है। ये तो आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे, इसके बाद आपसे कौन कौन सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकता है आप उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ। देखिए पहले आपसे पूछ सकता है व्हाट इज अ बेसिसिटी ऑफ अ एसिड, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे आप H2SO4 का यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज कर रहे हैं तो उस कंसंट्रेटेड H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है, तो कितनी होती है 2 होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H+ आयन जो होता है उसे क्या बोलते हैं बेसिसिटी बोलते हैं और सेम इसी तरह से नंबर ऑफ OH- आयन जो होता है वो आपका एसिडिटी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपका H2SO4 यूज कर रहे हैं उसकी आपकी जो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट मास एंड मॉलिक्यूलर मास, तो इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन होता है ये आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। साथ से यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि जो आपका नॉर्मलिटी होता है नॉर्मलिटी मोलरिटी एंड मोलरिटी, ठीक है, तीन चीजें होती है, एक होता है मोलरिटी
मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी, ये आपसे तीनों पूछ सकता है इनका मतलब क्या होता है, इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है। साथ साथ जो आप यहाँ पर सॉल्यूशन बनाते हैं वो सॉल्यूशन कैसा होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है ये आपको यहां पर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी स्ट्रेंथ हमको पता होती है उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है ये आपको यहां पर पता कर लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं, कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप ये दिए गए नंबर्स पे आप अपना मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसकी पूरी की आंसर की शीट जो होगी वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे बट इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में अपने मैसेज को जरूर टाइप कर लेना है। ठीक है, इसके साथ से कोई अदर क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे आप देखिए टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, कुछ अदर टाइप के इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, तो आपको उस अदर टाइप के इंडिकेटर के नाम भी बताना है कि आप KMnO4 की जगह पे ऐसे किस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग मिथाइल ऑरेंज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे याद रखिएगा मिथाइल ऑरेंज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ यहां पे याद रखिएगा पूछ सकता है कि जो आपका 0.1 मोलैलिटी का कोई सॉल्यूशन है, अगर 1.0 m का कोई सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होता है ये आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, साथ से यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि नॉर्मल सॉल्यूशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मलिटी बताया था, उसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, साथ से आप यह यूज करना है कि जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, ये आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो रेयरली पूछ सकता है बट पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इससे पहले जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इस पर फोकस करना है, इस क्वेश्चन पर कुछ कम फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर आपसे पूछ सकता है कि राइडर, ठीक है, राइडर आपको पता होगा जब आप क्या करते हैं वेट, अब जो आपका वहां पे फिजिकल बैलेंस होता है उस फिजिकल बैलेंस में जब क्या करते हैं आप लोग वेट करते हैं अपने सॉल्ट को, उस केस में आपसे पूछ सकता है कि जो वहां पे राइडर होता है राइडर का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा वहां पे हम क्या करते हैं, एक वेट जो होता है हमारा सर्कुलर वेट होता है उसका यूज करते हैं। ठीक है, उसमें हम आगे राइडर होता है, राइडर का यूज क्या होता है आपको वो बताना है। ठीक है, राइडर का जो वेट होता है वो कितना होता है, ठीक है, उसका यूज कब करते हैं, उसका यूज कब करते हैं जब आपको 10 मिलीग्राम से कम के वेट को मेजर करना होता है तब क्या करते हैं हम लोग राइडर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए राइडर के बारे में। ठीक है, जो आपका केमिकल बैलेंस होता है जो यूज करते हैं उस केमिकल बैलेंस को, केमिकल बैलेंस से हम लोग कितना वेट मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितना वेट मेजर कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, जो आपको यहाँ पे जो बॉक्स यूज करते हैं उस बॉक्स का नाम क्या होता है, फ्रैक्शनल बॉक्स होता है, आपको पता होगा उस फ्रैक्शनल बॉक्स में अलग अलग टाइप के आपके वेट होते हैं। ठीक है, 500 मिलीग्राम से लेकर कुछ अप्रॉक्स वेट आपके होते रहते हैं, तो आप वहां पे वो याद रखेगा। ठीक है, साथ से हमें पूछ सकता है कि जब हम लोग क्या करते हैं वेट करते हैं, तो वेट करते समय क्या करते हैं हम लोग, जो दूर होता है उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, इसका ये रीजन ये होता है बिकॉज एयर की वजह से क्या होता है आपका जो वेट होती है उसकी रीडिंग गलत आ सकती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं वहां पे जो दूर होता है उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है, जैसे आप क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए यहां पर क्या करते हैं आप लोग, जो आपका मोहर सॉल्ट होता है उस मोहर सॉल्ट का आप लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के क्या करते हैं आप, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 को मिलाते हैं, तो ये फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 आप मिलाते हैं वो किस लिए मिलाते हैं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या हो जाएगा कि वो क्या करता है आपका जो आपका Fe2+ है उस Fe2+ को Fe3+ में होने कन्वर्ट होने से रोकता है, मतलब क्या करता है ये हाइड्रोलिसिस ऑफ आयरन जो होता है उसको रोकता है, प्रिवेंट करता है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग वहां पर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 को मिलाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपसे पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके केमिकल रिएक्शन होती है वहां पर आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो आप याद रख लीजिएगा कि जो KMnO4 आप यूज करते हैं पोटेंशियम पर मैग्नेट यूज करते हैं, उस पोटेंशियम पर मैग्नेट में जो आपका क्या होता है वो ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, जबकि जो आपका यहाँ पे मोहर सॉल्ट यूज करता है यानी फेरस अमोनियम सल्फेट जो आप यूज करते हैं वो फेरस अमोनियम सल्फेट आपका क्या होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। जैसे मैंने बताया आपको फेरस अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता है आपसे कि जो आप यहाँ पे मोहर सॉल्ट यूज कर रहे हैं वो मोहर सॉल्ट जो है वो आपका किस तरह का सॉल्ट है। देखिए सॉल्ट आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल सॉल्ट, एक होता है आपका कॉम्प्रेस सॉल्ट जिसमें होता है आपका डबल सॉल्ट आता है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे मोहर सॉल्ट है वो क्या है आपका एक टाइप का डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्या या फिर आपसे पूछ सकता है
कि जो डबल सॉल्ट का डेफिनेशन क्या है और जो डबल सॉल्ट ऐसे किसी अदर डबल सॉल्ट का आपसे नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो आप वहां पे जैसे आप बता सकते हैं वहां पर फिटकरी, ठीक है, फिटकरी जो होता है आपका K-4 L2SO4 का होल 24H2O, जो आपका फिटकरी होता है, फिटकरी भी क्या आपका एक टाइप का डबल सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे जब पूछेगा कोई अदर डबल सॉल्ट का नाम बताइए मोहर सॉल्ट को छोड़कर, तो आप वहां पे फिटकरी का नाम बता सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने जितने भी क्वेश्चन की बात की, सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इन सारे क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए, मैंने आपको पहले बताया है आपके तीन एक्सपेरिमेंट पूछे आते हैं। ठीक है, तीन एक्सपेरिमेंट, एक होता है आपका एसी जो बेस को आइडेंटिफाई करने का होता है, एक होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं, और थर्ड एक्सपेरिमेंट होता है जहां वहां पे आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो आपको जनरली जो आपका एसिड बेस का एक्सपेरिमेंट है वो आपको मैं पहले से बाय बाय क्वेश्चन करा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहां पे आई बटन पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से देख सकते हो उस वीडियो को। उस वीडियो में मैंने आपके एसिड और बेस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप किया था। आज मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इन क्वेश्चंस का अगर आपको सोल्यूशन मिलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आपको अगर इसके आपको आंसर नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर मेंशन करिएगा, हम लोग उसका आपको जवाब जरूर देंगे, या फिर जो भी आपका सॉल्यूशन जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे जो नंबर है फ्लैश हो रहे हैं वहां पर, या फिर कमेंट सेक्शन में आपको वहां पे मेंशन कर देना है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको कोई अदर टाइप को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, या फिर कोई अदर टाइप की अगर आपके पास डिफिकल्टी है, कोई अदर क्वेश्चंस, अगर आपके मन में कोई ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप यहां पे कमेंट में बताइए, हम उसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।